हेलो बच्चों, कैसे हो? खूब बढ़िया होंगे। चलिए, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक और ऐसा स्पेशल चीजें जो नीट में आपके काम आएगी। केवल आपको मुझे बस 10 मिनट्स देते हैं, ठीक है? ओनली 10 मिनट्स आपको मुझे देना है। और टाइमिंग मैं आपको वापस बोल देता हूँ, डेली मैं रात को आपको 9:21 मतलब 21:21 पर डेली आपको मिलूंगा और कुछ 10 मिनट में ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपके नीट में काम आएगी। और ऐसा कंटेंट नीट या जेई बोल दो, नीट या जेई में आपको ऐसा कंटेंट पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम लेके आए हैं कॉन्स्टेंट पावर। यदि आपको इंस्टेंटेनियस पावर कॉन्स्टेंट दे रखी है, राइट, तो आपको जो डिपेंडेंसी होती है, चाहे वो वेलोसिटी की हो, वर्क की हो, सारी डिपेंडेंसी टाइम डिपेंडेंट, बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं नीट पर, ठीक है? वो लेके आपको हम आज समझाएंगे। चलिए, सिंस एज यू नो, पावर जो होती है वो होता है वर्क डन का टाइम के रेस्पेक्ट में रेट, मतलब वो भी कॉन्स्टेंट है। और ये तभी पॉसिबल है जब वर्क खुद टाइम पर डिपेंडेंट हो, सिंगल पावर पर। कौन सी पावर पर? सिंगल पावर पर। मतलब आप यहां देखिए ध्यान से, यदि मैं टी का डिफरेंशिएशन करूंगा टाइम के रेस्पेक्ट में तो क्या आएगा? 1 आ जाएगा, मतलब यू कैन से कांस्टेंट आ जाएगा। तो यदि आपको पावर कांस्टेंट दे रखी हो तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए वर्क डन डिपेंड ऑन टाइम टी, राइट? चलो आगे बढ़ते हैं अगले पेज पर। यदि वर्क एनर्जी थ्योरम आपको आती हो तो वर्क डन होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जनरली आपको इनिशियली और यू कैन से रेस्ट देता है कि शुरुआत में पार्टिकल रेस्ट में है। यदि शुरुआत में पार्टिकल रेस्ट में दे रखा है तो आपको एक ही काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, विच इज हाफ एमवी स्क्वायर। और वर्क डन आपने देखा जो आप डिपेंडेंट थे टाइम पर, मतलब यहां से आप निकाल सकते हो कि वेलोसिटी का जो स्क्वायर है वो टाइम पर डिपेंडेंट है। और यदि वेलोसिटी देखना चाहो तो हो जाएगा टाइम की पावर हाफ, आ जाएगा बिल्कुल। नाउ अगले पेज पर चलते हैं। यदि आपको वेलोसिटी दे रखी है टाइम की पावर हाफ और आपसे बोला जाए कि डिस्प्लेसमेंट बताओ, राइट, डेल्टा एक्स, तो आपको फॉर्मूला होना चाहिए वेलोसिटी का इंटीग्रेशन टाइम के रेस्पेक्ट में फ्रॉम 0 to t, एम आई राइट? डेल्टा एक्स के ऊपर डिस्प्लेसमेंट लिख देते हैं तो विल बी प्रोपोर्शनल वेलोसिटी जो कि टी की पावर हाफ पर डिपेंडेंट है, वो आपकी हो जाएगी एक इंटीग्रेशन कर दो। और इंटीग्रेशन में क्या होता है, पावर बढ़ जाती है एक नंबर से, तो टी की पावर आ जाएगा यहां पर 1/2 का इंटीग्रेशन करोगे तो एक नंबर बढ़ेगा 3/2, नीचे 3/2 भी आएगा, बट वो तो जाएगा कांस्टेंट, और कांस्टेंट में प्रोपोर्शनलिटी में नहीं देखते हैं। चलिए, अब आपसे मान लो पूछ लेता है वो एक्सीलरेशन किस पर डिपेंडेंट, टाइम की किस पावर पर डिपेंडेंट है, बट एज यू नो कि एक्सीलरेशन जो है वो है वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन। और वेलोसिटी किस पर डिपेंडेंट है? वेलोसिटी डिपेंडेंट है टाइम की पावर हाफ पर, एम आई राइट? चलो डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएशन में एक पावर कम हो जाती है, हाफ पावर बाहर आएगी, कांस्टेंट में नहीं लिखेंगे, ओनली टी की पावर माइनस हाफ लिखेंगे, याद रखोगे? बोलो हाँ, ठीक है। तो ये हो गया ए। और एज यू नो एफ बराबर होता है एम ए यदि मास कांस्टेंट है, ठीक है? तो जैसा आपका ए होगा वैसा ही फोर्स भी डिपेंड करेगा टाइम की पावर माइनस हाफ, ठीक। अब मैं सारे कंटेंट्स को एक साथ एक पेज पर लिख देता हूं। इफ पी इक्वल्स टू कांस्टेंट, यदि आपका पावर कांस्टेंट है, दैट मीन पावर कांस्टेंट है तो वर्क डन किस पर डिपेंड करेगा? टाइम की पावर 1 पर। वर्क डन के बाद वेलोसिटी किस पर डिपेंड करेगा? टाइम की पावर हाफ पर। डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करेगा, एक पावर जोड़ दो जल्दी से, 3/2 पर। एक्सेलरेशन डिपेंड किस पे करेगा? एक्सेलरेशन डिपेंड करेगा वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करने पर, क्या आया था? हाफ पावर बाहर, माइनस हाफ पर। एफ भी उसी पर डिपेंड करेगा। तो देखो, मैंने आपको वर्क, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, फोर्स सब के बारे में बता दिया, कब, जब ये पावर कॉन्स्टेंट। और ऐसे ही क्वेश्चन नीट के अंदर आते हैं, ठीक है? आगे बढ़े एक स्टेप, चलिए अगले स्टेप पे चलते हैं। सर, यदि ये पावर कांस्टेंट नहीं हुई तो, यदि पावर कांस्टेंट नहीं हुई और पावर दे रखा है टी की पावर एन पर डिपेंडेंट,
किस पर डिपेंडेंट दे रखा है, टी की पावर एन पर डिपेंडेंट दे, देन व्हाट विल वी हैव टू डू, हमें क्या करना होगा। तो बेटा लोग ज्यादातर याद रखो, जैसे मैंने तुम्हें अभी बताया कि वर्क डन कैसे बनता है, या तो पावर का कर दो इंटीग्रेशन, या ऐसे बोल लो कि वर्क डन का डिफरेंशिएशन पावर होता है। दैट मीन जो सीधा याद रख लो, इसमें से एक पावर कम कर दो, यदि तो एक पावर कम कर दोगे तो ये मिल जाएगा एन माइनस वन, ठीक है। बट आप ध्यान रखिए कि हम पावर का करेंगे इंटीग्रेशन, क्या करेंगे इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन में पावर तो एक बढ़ती है ना, बस यही गड़बड़ होती है कि किसका इंटीग्रेशन कौन है और किसका डिफरेंशिएशन कौन है। तो पावर का इंटीग्रेशन करने पर वर्क डन आता है, एक पावर बढ़ा दो, जब यहां कॉन्स्टेंट था और यू कैन से टी की पावर जीरो, तो यहां पर वन नहीं आया था, आया था ना, ये इंप्लाइज दैट यदि वर्क डन टी की पावर एन प्लस वन पर डिपेंडेंट, तो अभी हमने फॉर्मूला प्रूफ किया था कि वेलोसिटी जो है वो वर्क के अंडर रूट के प्रोपोर्शनल है। तो ये लो, यहां पर अंडर रूट लो, अंडर रूट मतलब हुआ पावर हाफ करना, तो एन प्लस वन अपॉन टू, अब जो भी एन दे रखा सब एन के लिए वैलिड है, ठीक है, याद रखोगे। चलो नेक्स्ट, पर ध्यान से, ठीक है, ध्यान से, इसलिए क्योंकि जब हम इंटीग्रेशन करने जाते हैं, ओके, तो इंटीग्रेशन के अंदर केवल एक ही ऐसा फंक्शन है, ध्यान सुनना, इंटीग्रेशन में केवल एक ही ऐसा फंक्शन है जो उसमें टी की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन नहीं लगता, और वो किस वैल्यू के लिए है बताओ, एन की वैल्यू माइनस वन के लिए। यदि यहां पर एन की वैल्यू माइनस वन हो तब ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, एन माइनस वन के अलावा सभी हो सकते हैं, बाकी सभी मैंने लिख दिया यहां पर, आप जब नोट्स बनाओ तो बना लेना ध्यान से, कि एन की वैल्यू माइनस वन के अलावा कुछ भी रख लो, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव, और यदि ये आपको याद है तुरंत आपका आंसर आएगा, ओके। चलो वेलोसिटी तो हो गया आपका डिपेंडेंट, अब उसके बाद आ जाओ आप डिस्प्लेसमेंट पर। डिस्प्लेसमेंट हमने कैसे निकाला था, डिस्प्लेसमेंट हमने निकाला था इंटीग्रेशन करके, एक पावर और बढ़ा दी जाए, तो एक पावर और बढ़ाओगे तो यहां पर जाएगा एन प्लस टू, एलसीएम लोगे तो बन जाएगा थ्री, एन प्लस थ्री बाई टू, और यदि आपको चाहिए एक्सेलरेशन तो वेलोसिटी का करना होगा डिफरेंशिएशन, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको बन जाएगा एक पावर और कम करनी पड़ेगी, तो यह बन जाएगा एन, एक पावर कम करोगे तो आ जाएगा एन माइनस वन अपॉन टू, ऐसा पावर में ही है, राइट। और आपको मैंने पहले बोल दिया कि फोर्स ए पर डिपेंडेंट है, यदि आपसे मोमेंटम पूछता है तो मोमेंटम भी वेलोसिटी पर डिपेंडेंट है, तो ये वैल्यूज आपको याद रखनी है, ठीक। तो मैं एक बार और रिवाइज कर दूं, फिर हम इसका एक शॉर्ट वीडियो बनाकर वायरल भी करेंगे, ठीक है, बाकी सारे बच्चों की हेल्प होनी चाहिए। स्टार्ट करें, चलो वापिस करो स्टार्ट नाउ। ये है आज का महाभयंकर पॉइंट, देखिए, यदि पावर डिपेंडेंट हो टी की पावर एन पर, किस पर, टी की पावर एन पर, ये है इंस्टेंटेनियस पावर। यदि यहां पर एन की वैल्यू माइनस वन के अलावा कुछ भी नंबर रख दो, कोई भी नंबर रख दो, वन टू थ्री जीरो माइनस टू माइनस थ्री, कोई भी नंबर रख दो, तो आपका जो वर्क डन है वो डिपेंड किस पे करेगा, वर्क डन डिपेंड करेगा टी की पावर एन प्लस वन, जो भी एन में आप पावर दे रखी हो उसमें एक नंबर जोड़ दीजिए। यदि आपसे बोलता है कि पावर टी की पावर एन पर डिपेंडेंट है, तो वेलोसिटी टाइम की किस पावर पर डिपेंडेंट होगी, तो वो होगा एन प्लस वन बाई टू। इसी तरह से डिस्प्लेसमेंट किस पर डिपेंडेंट होगा, टी की पावर एन प्लस वन बाई टी की पावर एन प्लस थ्री बाई टू पर, और उसी तरह से ए डिपेंडेंट होगा टी की पावर एन माइनस वन बाई टू। यदि आपने ये नंबर्स याद रख लिए तो आप पावर के किसी भी क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हैं जो कि इंस्टेंटेनियस पावर दे रखा हो, टाइम की डिपेंडेंट, टाइम डिपेंडेंट पावर दे रखी हो और टी की पावर एन दे रखा हो, तुरंत आप इन वैल्यूज को याद रखें और आपका आंसर सामने। यह है आज का महाभयंकर पॉइंट, कैसा लगा बच्चों, अच्छा लगा होगा। ये सारे मैंने शॉर्ट ट्रिक बता दिए आपको जो हम ऑफलाइन में पढ़ाते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है। यदि आप चाहते हैं ऑफलाइन आना मेरे से पढ़ने, तो आपको आना होगा सीकर सीएलसी के अंदर, और यदि आप चाहते हैं ऑनलाइन पढ़ना, तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा चैनल और अपने शेयर कर दीजिए फ्रेंड के साथ। बहुत जल्दी हम डेली का हम 10 मिनट आपको देंगे और नए नए शॉर्ट क्लिप आएंगे जो YouTube पे कहीं भी अवेलेबल नहीं है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।